मम्मी के लिए वोट करो कि मम्मी व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ डेट पे। देर लिया था अम्मा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जे बनाना चिप्स है तो तो व्यान को बता देती है फ्रेंच फ्राइज। अच्छा डब्बा सिम डब्बा मोमो इतना टेस्टी है ना, ऐसा क्यों? तो गाइस नानी कुछ नहीं खाएगी, अब नानी बताएगी पिज्जा रेट कर। फिर मैं डाल रही हूं, सो टेस्टी नहीं है। मम्मी कंफर्म नहीं है, जब बोले है। मैंने ये लिया है अनिंग ग्रुप की दुकान से। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ डेट पे। तो आप लोग गलत मत सोचना, मैं किसी लड़के के साथ नहीं जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी और मेरे नानी माँ के साथ डेट पे स्पीति कैफे। तो मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग क्या क्या करने वाले। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, वो मदर डे स्पेशल एडिशन होने वाला है। एंड ऑल्सो मेरी मम्मी फॉर द फर्स्ट टाइम पिज्ज़ा खाने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्पीति बहुत ही ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे पिज़्ज़ा को आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं, और इससे पहले तो ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा स्पीति के लोगों को पता भी नहीं होता था। अभी भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो मम्मी को थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि हम लोग घर में बात करते हैं पिज़्ज़ा वगैरह के बारे में। और एक बार जंगमो ने बनाया था विंटर्स में, तो उसमें उसे पिज़्ज़ा सॉस की जगह ना शेजवान सॉस बनाया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना गंदा बना होगा वो। तो वो मम्मी ने ट्राई किया है, तो आज मम्मी पहली बार पिज़्ज़ा खाएगी। Are you excited? Guys, मम्मी एक्सप्रेशन लेस है, उनको कुछ भी एक्सप्रेशन देने नहीं आता। अम्मा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जे पापा होते तो बोल देना था अभी तक। जे आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज, क्योंकि मैं जा रही हूँ पिज्जा खाने। जे जे पोपट कर दिया गाइज मम्मी ने। अम्मा यूं मत छन। हाय हाय। तो गाइज हम आए हैं नानी को लेने, तो नानी का घर यहाँ पर है, तो हम नानी को लेके फिर जाएंगे बाज़ार। अभी पापा थोड़ा वेट करें, अगर नानी वगैरह को टाइम ज़्यादा लगेगा तो पापा चले जाएंगे, अदरवाइज पापा के साथ ही गाड़ी से जाएंगे हम मार्केट। तो क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत दूर है गाइज, और नानी के पैरों में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको चलने में। तो लेट्स सी, अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो हम गाड़ी में ही जाएंगे। नानी यहाँ पे दो रहे सब्जी जो कल लाए था हम, वो इनको थोड़ा सा लाया है, नानी को बहुत पसंद है वाला सब्जी, इसलिए। ओ शानम हम टकलू गंदा लड़का। शानम पप्पी दे पप्पी। यार देखो ठीक है बस गाइस, अब देखो ये क्या करते हैं। गाइस ये नानी के पास फू कराने ले जा रही। घर वाले रेडी हो गए। मामी हाय बोलो मेरे व्लॉग में। तो ये हमारे घर का सोनम। सोनम हाय। जुले जेज हाय। सो ये रही नानी। आम दलो हाय। हाय।
हाय, बाद में बोल रहे गाइस, जैसे ही कैमरा दे गए ना, देखो देखो। सो गाइस, ये रही हमारी नानी। ये पिज्जा समझो जा, पिज्जा समझो। नानी ने भी नहीं खाया बोला आज तक पिज्जा, तो आज नानी भी पहली बार खाएगी, मम्मी भी पहली बार खाएगी, बाकी हम लोगों ने तो खाया है। तो नानी को चलने में दिक्कत होते हैं, तो हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं गाइस। बाकी लोग देखो स्पीड में आगे चले हुए हैं, तो हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे। बनाना चिप्स है तो ये मुझे ट्राई करना है, तो मैं ये ले लेती हूँ। ले लेती हूँ ये ठीक है, बनाना चिप्स वो ट्राई करना था, ये है ना, ये ले लेती हूँ। मैं नाम ही भूल गई, क्या इसका ना, मार्शमेलो। एक मार्शमेलो ले रहे, एक बनाना चिप्स और एक सनम खा रहा है कैंडी। सनम सनम, गाइस पापा हम सबसे तेज निकले, पहले आके देखो ग्रीन टी के आनंद ले रहे है ना आपा, हम लोगों को छोड़ के अकेले अकेले। जस्ट किडिंग गाइस, मजाक कर रही थी मैं। पापा सिलेंडर देने आए तो पापा बोलते इन्होंने ऑफर किया ये एक पिज्जा। नानी को बहुत मुश्किल हो गया चल चल के आके, इनका पूरा सांस फूल गया है। सब थक गए गाइस, एक मिनट छोड़ के, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है पता है। वैसे तो ये गर्ल्स पार्टी था, लेकिन अब पापा भी यार मिल गए, देखो अब आज पापा स्पॉन्सर करेंगे शायद। पैसे जेब से नहीं जाएंगे। गाइस हमने काफी कुछ मंगाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या मंगाया है। मम्मी के लिए वोट करो कि मम्मी व्लॉग में कुछ बोले। छे ना, आई एम वेरी एक्साइटेड। छे छे कहीं बोले मम्मी को, मम्मी कुछ बोलती नहीं यार, थक गई मैं। छे छे, थैंक यू सो मच मैम, तुम नानी पूछ रही है क्या है। फ्रेंच फ्राइज है, आलू को फ्राई करके, तो नानी अभी ट्राई करके बताएंगे कैसे। यो सेज न्यू रा सूट अब छमेर रा सब, यो छमेर मोर हाल ठीक ठीक जी, इनको प्रॉब्लम होते है। हम इनको ट्राई हम कह रहे हैं आलू खा रहा है, दाम ये देख पा। इधर देखो पुन नानी ने फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना बोले, क्योंकि उनको आलू जो है वो इनके बॉडी में लगता है। मटन मोमोज आए, लेकिन इसमें कितने पीस है यार, 1 2 3 4 5 6 7 पीस, 7 लोग। नानी अभी यहाँ का मोमो ट्राई कर रही है और बताएंगे अच्छा है, यहाँ का अच्छा है कि बाहर का, टेस्टी है मोमो, इतना टेस्टी है ना, ऐसा गर्म वाला फील। नानी को भी बहुत पसंद आए, मम्मी को भी। हम मोमो पे शुगर वाले भी करेंगे, मैदा नहीं है शायद, आटा है शायद, टेस्टी है बहुत। फ्राइड राइस आ गए, तो नानी बोल रही है कि उन्होंने मिक्स करके नहीं खाना कुछ भी, उनको प्रॉब्लम होती है, पर मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा ट्राई कर लूँ, ट्राई दे रहा हूँ, ट्राई दस दे रहा हूँ, न्यू रहूँगा, न्यू को मंच है चिल्ला। कैसे खाली थूपा पी रही, थूपा अच्छा है, अच्छा डबा शिमला डबा पिज्जा आ गया, अभी चिकन पिज्जा ऑर्डर किया, क्योंकि यहाँ का जो वेज पिज्जा वो टेस्टी नहीं है। नानी कुछ भी नहीं खा रही, एक थुक्पा खाया, मोमो खाया, तो मोमो इनको इतना पसंद आया कि हमने दोबारा मंगा लिया। पिज्जा खाएंगे, अब मैं पिज्जा ट्राई करेगी और रिएक्शन देगी, है ना, रिएक्शन देना देखती हूँ, रिएक्शन देगी। मम्मी का थोपड़ा
मैं जाता हूँ। थोड़ा सा लिया, अब नानी बताएगी पिज्जा रेट कर कैसे है। सूट अबा पिज्जा अच्छा नहीं है, सिमर बा मम्मी को पसंद नहीं आया, घर वालों को पिज्जा ही नहीं पसंद आया। कम डाउन कमाल को, ये जो हर कुछ खाने को मम्मी कन्फर्म नहीं है, कभी बोले है कभी बोले नहीं है, कन्फर्म नहीं है। नानी ने तो सीधा ही डिसलाइक दिया, नानी को थुप्पा पसंद आया, नानी को सबसे अच्छा मोमो लगा। मम्मी कभी हाँ कभी ना कर दिया, अम्मा सच 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 सबका पेट बहुत फुल हो गया। नानी आपका पेट फुल हुआ? ओ नानी ने आज मस्त खाया। अम्मा पेट फुल, अब हम एक डेजर्ट ला रहे हैं, मड केक, मड केक खाएंगे और फिर फिनिश हो गया। मामी आपका पेट भरा ना? हाँ मामी तो बच्चे को खाली खिलाने में रह जाती है, तभी देखो कितने कमजोर हो गए। पुनः मिचो, पुनः मिचो, हो गया बच्चा नहीं खा ले, ये चपुन मिचो पेट भरा, नहीं भरा तो खाली पेट बातों ते चचे मम्मी ने खाना दिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा एंजॉय अगर कोई कर रहे तो ये सोनम कर रहे है, सब कुछ खा रहे सब कुछ, उसके बाद भी बोल रहे कुछ नहीं खाया कुछ नहीं दिया, इसका डायलॉग है ये। खाने पीने में बहुत तेज है, देखो देखो। तो ये आ चुका है मड केक, ये बैठे हैं घर वाले, बोल रहे अब कितना खाओगे, इतना पेट है क्या? मैंने बोल रहे ये तो छोटा जैसा ही होता है, तो स्वाद के लिए लास्ट में डेजर्ट खाना तो बच ना हो ही नहीं सकता। अब शॉपिंग के लिए कुछ चीजें देख रहे हैं घर वाले, बट मैं कुछ नहीं देखने वाली क्योंकि मैं करने वाली नहीं हूँ, इसलिए हम ले रहे ये चूहा पकड़ने गए क्योंकि हम क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा घर काफ़ी पुराना है, तो उसमें नीचे के कमरे में ना स्टोर रूम है दो, तो उसमें काफ़ी सारे चूहे आते हैं जिन्होंने हमारा जीना हराम करके रखा है, तो अब इस वजह से हम ये ले जाएंगे इसमें पकड़ के फिर उनको छोड़ देंगे परे परे घर से दूर। घर वालों के साथ आओ तो यही होता है पता है, डेट पर लाई हो अब अपना शॉपिंग देखो, कई बर्तन देखेंगे कहीं ऐसे कप देखेंगे यही वगैरह देखने में हो जाता है, ऐसे टाइम पास बहुत हो जाता है। ये पड़ा हमारे को 150 का, तो अब भैया 150 से कम तो कर ही नहीं रहे। बार्गेनिंग स्किल ऐसे मेरी तगड़ी है लेकिन यहाँ ज्यादा काम नहीं आया, बट इसको भी चलो नजर जिसको भी लेना है यहाँ आंटी के पास आ जाए। कई ये फराक है हमारा ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो पहले मैंने दिखाया था आप लोगों को। यहाँ देखो मैं ले रही हूँ ये चांदी का लिम दो अपनी जो मैं ये वाला ले रही हूँ, समझे हो 200 रुपए दे 250 का है बोला। इसमें ये लिया है अनिंग ग्रुप की दुकान से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं लूँगी, फिर मैंने ये ले लिया बनाना चिप्स ले लिया, तो ऐसे ही चलता रहता है कुछ भी, ऐसा कभी कभी नहीं होता कि मैं कुछ ना लूँ। मजा मज़ा आया, मज़ा आया। हाँ मैं और रामू तो अभी कुछ दिन पहले गए थे, आप लोगों को पता ही है, तो अब ये मेरा लास्ट पिज़्ज़ा था, मैं कभी पिज़्ज़ा नहीं खाने वाली हूँ, वैसे नहीं खाना था बट आज आना पड़ा क्योंकि मम्मी ने कभी नहीं खाया ना, तो उस वजह से, और फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी की इच्छा के लिए, अदरवाइज़ मैंने अब क्विट कर दिया, मैं कुछ भी वो नहीं खाऊँगी, जंक हो गया ऑयली चीज़ें हो गई फॉर माई स्किन, क्योंकि अब मेरा स्किन ठीक हो रहा है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। पिछले साल मैंने यही गलती की थी जब मेरे को स्टार्टिंग में पिंपल्स हो रहे थे ना, मैंने उस टाइम पे इतना पिज़्ज़ा इतना बर्गर ये वो मतलब जंक ही जंक खा रही थी। उन दिनों मैं एग्ज़ाम देने गई थी जुलाई में, आप लोगों को याद होगा, और उन दिनों हर दूसरे दिन में मतलब कभी डोमिनोज में कभी हंगरी पॉइंट में घुसी हुई थी, तो कहीं ना कहीं मेरी वो भी गलती रही है, इस वजह से मैं इस बार नहीं करना चाहती। ये रही नानी, नानी यहीं से वापस जा रहे हैं, तो ये सामान कुछ मामी ने लिया था वो लेके, नानी को बहुत दिक्कत हो रही है गाइस, मुझे बुरा भी लग रहा है बट मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब हम लोग जाएंगे हम तीनों लिफ्ट लेके घर वापस, क्योंकि अब हमारे पास यही ऑप्शन है, एडी को पानी नहीं दिया बेचारे का गला सूख गया होगा, मेरा खुद का सूख गया है सच में, तो गाड़ी लिफ्ट लेते हैं, लिफ्ट मिलेगा तो वैसे मिल जाता है, बट अभी 3 बजे ना तो ऑफिस का टाइम
जैसे ख़त्म हो जाते, 4 बजे के बाद तो लिफ्ट मिल जाती है इजीली, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ट्रक वाले मिल रहे हैं लेकिन वो लोग की तक नहीं जा रहे हैं, तो रंगरिक पुल तक मिल जाएगा ना गाइस, तो हम उसी में चले जाएंगे। और मैं एक बिटर गार्ड वाला चिप्स भी था, तो मैंने उन भैया से पूछा इसका टेस्ट क्या कड़वा ही होगा, तो उन्होंने बोला कड़वा होगा, तो फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि कड़वा होगा तो फिर ऊपर से ये चिप्स 120 रुपीज़ का था, तो कड़वा होगा तो कोई खाएगा भी नहीं, तो वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने इसलिए